मेरी शुभकामनाएँ हैं मुन्ना तूफानी के साथ, विनोद जी के साथ जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इसके डायरेक्टर राम जी, और मैं तो एक स्पेशल अपीयरेंस में हूँ इस फिल्म में। शिवाजी मेरे पुराने जानने वाले हैं, इन्होंने इनकी बड़ी इज्जत थी कि इस फिल्म को करूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन सही था, मैं आया और एक बहुत अच्छा रोल कर पा रहा हूँ उस फिल्म में। बहुत अहम किरदार है जो कहानी का बड़ा बेस है, और जितना भी शूट किया मैंने इस फिल्म में या जितने भी सीन होंगे मेरे, मुझे लगता है बहुत अच्छे और यादगार सीन होंगे। बहुत दिनों बाद वापस आपको वर्दी देखे हैं। बहुत दिनों बाद, मैं मुझे याद है मैंने लास्ट वर्दी भरी थी घूंघट में घोटाला 2 में, उसमें भी गेस्ट अपीयरेंस ही था मेरा, 2 दिन का काम था वो, स्पेशल अपीयरेंस कह लीजिए उसको। और इस बार भी वर्दी स्पेशल अपीयरेंस में ही पहनी है। वर्दी बहुत पहनता था पहले, मैं थोड़ा सा विमुख हुआ वर्दी से, और लेकिन अच्छा रोल है, बहुत पावरफुल रोल है मेरा ये। सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दर्शक, सबको मेरा सादर प्रणाम है। मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरे साथ पूरा इंडस्ट्री के जो भी ये महान संजय भैया, जिनका मैं बचपन से फैन हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ, बहुत दिन से मेरे अंदर ललक थी कि मैं कब मुझे मौका मिलेगा इनके साथ काम करने को, मगर भगवान ने, महादेव ने आज मेरी सुन ली और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत वाला मान रहा हूँ कि मेरे सारे सपने भगवान पूरे कर रहे हैं, और बस ये इंस्पेक्टर फिल्म, जो इंस्पेक्टर विक्रम नाम की ये फिल्म है, ये फिल्म का आपको पूरा एक्शन से भरा हुआ ये फिल्म है। इतने सपोर्टिंग कास्ट स्टार सब बड़े हुए हैं, तब सोच ही सकते हैं कि कितना मज़ेदार और एक्शन से भरपूर फिल्म बनेगी। मुन्ना से तो बहुत पुरानी मुलाकात नहीं है, लेकिन चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी और मुन्ना फिल्म कर रहे थे, तो बोले कि यार भाई आपके साथ काम करना है हमका, बेशक कभी भी याद करना। और इतफाक़ से भी मैं सहजनों में शूट कर रहा था, तो मुन्ना का अचानक कॉल आया। मैंने कहा कि देखो हमने वो बात सोची थी और अल्लाह ईश्वर ने उस बात को सुन ली, और आज हम साथ में काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री में नए नए लड़के आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप जब हम फिल्म करते हैं तो फिल्म एक इतिहास होता है। शूट तो हम कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतिहास है हमारे, मरने के बाद दर पीढ़ी देखती रहती है। तो जितने भी एक्ट्रेस आते हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करके आएँ, और मुन्ना मेहनत कर रहे हैं तभी एक के बाद दूसरी फिल्म कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ मुन्ना को और इस फिल्म के लिए। मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, जैसे लगता है कि मैं बहुत पहले से, एक्चुअली मैं भी थिएटर किया हूँ, लेकिन संजय भैया की फिल्में देख देख के, और मैं सपने देखा करता था कि संजय पांडे जी के साथ किसी दिन तो करूँगा काम, मरने से पहले जरूर इतने पर काम करूँगा, और हनुमान जी की कृपा रही तो, और ये कृपा हुई मेरे ऊपर वो विनोद भैया की वजह से, क्योंकि विनोद भैया की एक फिल्म थी जनता की अदालत, मैं उसमें काम करने गया था, मैंने एक उसमें छोटा सा कैरेक्टर किया और विनोद भैया को अच्छा लगा, और विनोद भैया ने इस प्रोजेक्ट को, इंस्पेक्टर विक्रम, ये प्रोजेक्ट इतना मतलब पावरफुल है, हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है उसी पे ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी तो इनकी जनता की अदालत पोस्ट प्रोडक्शन में है, और तुरंत इन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संजय भैया के साथ, अयाज भाई के साथ काम कर रहा हूँ। और जो ये मुन्ना तूफानी है, मुन्ना जी जनता की अदालत में काम कर रहे थे, इनका काम मैंने देखा, इनके अंदर बहुत जुनून है, और ये विनोद भैया का मुन्ना के सर पे इस तरह का हाथ है जैसे एक माँ बाप का हाथ होता है। तो मैं तो कहूँगा कि पूरी टीम को दिल से धन्यवाद, और ख़ास करके संजय भैया को धन्यवाद और विनोद भैया को धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस फिल्म में एज ए विलन मैं कर रहा हूँ, और मैं इतने महान महान कलाकारों के सामने जो ऑलरेडी आज भोजपुरी फिल्मों में जिनको कहा जाता है कि इनके आगे कोई विलन नहीं है, लेकिन इनके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ विलन बन के, ये मेरा सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। संजय क्या करने जा रहे फिल्म को, इंस्पेक्टर विक्रम? इंस्पेक्टर विक्रम मुझे पूरा इसका कहानी तो नहीं पता है, लेकिन जो बेस समझ में आया मुझे इस फिल्म का, मुन्ना मेरे बेटे का रोल कर रहे हैं, मतलब मेरे फिल्म में मेरी डेथ के बाद ये बड़े होते हैं, छोटे हैं उस दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम होता है कि ये मेरी डेथ होती है, देन ये मूव करते हैं और फिर बड़े होते हैं, इंस्पेक्टर के रूप में आते हैं, इंस्पेक्टर विक्रम। ये कुछ इस तरीके का ताला वाला है इस फिल्म का, हार्डकोर कमर्शियल एक्शन मूवी है, और अयाज खान है,
तो विलन बिरादरी भी मजबूत है शिवा। मैं जब उनका फ़ोन आया तो मुझे लगा ये हीरो है फिल्म के, तो मैंने इनसे पूछा कि सीक्वेंस इन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि वो रोल कौन कर रहा है ललन सिंह का, तो बोले भैया मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम कर रहे हो तो फिर हीरो कौन है, तो बोले हीरो मुन्ना तूफानी है, क्योंकि मुझे लग रहा था इन्होंने बहुत पहले फिल्म के लिए बात की थी मुझसे, तो उसमें ये लीड कर रहे थे, तो मुझे लगा यही कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ओह अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट है, बोले हाँ भैया मैं विलन हूँ। तो मुझे अच्छा लगा और हमारा सीन हुआ इनके साथ, बहुत प्यारा सीन हुआ जो हुआ, एक बहुत फिल्म का बड़ा एक पावरफुल सीक्वेंस है वो। और राम ने शूट भी किया, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता था, राम वृक्ष गौड़ मंजुल के एसोसिएट थे, तब मैं उन्हें राम राम ही जानता था। और ये सच है कि एक पैकेज जिसे कहा जाती है पैकिंग नॉट पैकेज, पैकिंग जो है बहुत अच्छी है फिल्म की, हीरो हीरोइन विलेन एक सीन में मैं भी हूँ, तो ये फिल्म को बड़ा सपोर्ट करते हैं। जो पिलर्स होते हैं, हम अपने आप को पिलर्स मानते हैं कि हम पिलर्स हैं एक बिल्डिंग को खड़ा करने में, तो ये पिलर्स इन्होंने मजबूत रखे हैं, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग मजबूत होगी। निर्देशक भी बहुत हुआ है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो भी बहुत काफ़ी परिपक्व हैं। एक फिल्म बनाए उसका रिलीज़ का इंतज़ार किए बिना विनोद कुमार ने दूसरी फिल्म अनाउंस की है, मतलब ये रेगुलर फिल्म में बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ, जो भी एक दूसरे फिल्म किया हूँ और एक दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, सब सहयोग दिए हैं। पर संजय भैया से आज मिला हूँ और बहुत सीख मिली है, धन्यवाद करता हूँ संजय भैया को। और सबसे पहले तो शिव भैया को धन्यवाद करता हूँ, उनको लेके आए कन्विंस किए, और मुन्ना को धन्यवाद करता हूँ, अयाज भैया को लेके आए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनके लिए और ये आए। अब मैं चाहता हूँ इनके साथ हमेशा बना रहा और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, बाकी देखते क्या। सबसे पहले तो इस फिल्म के निर्माता हमारे जिले के हैं, हमारे भाई हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि लगातार ये दो फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम से, तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुन्ना तूफानी एक अच्छा लड़का है, आज ये चल के बहुत अच्छा हीरो बने ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज मैं इस फिल्म के शूटिंग में मेरे सबसे चहेते भोजपुरी सिनेमा के हर कैरेक्टर में फिट संजय भैया जी, जिनको मैं बहुत ही पसंद करता था और कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ मैं इतने ज़्यादा समय बिताऊंगा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आभार व्यक्त करता हूं भैया का और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बतौर निर्माता मैंने 3 फिल्में की और मेरे प्रोडक्शन की पहली फिल्म भाग्यवान भैया के द्वारा एक हीरो के रूप में आ रहे हैं भाग्यवान, मैं सौभाग्य है मेरा। और भैया आज मैं शूटिंग में इसलिए आया हूं क्योंकि भैया वर्दी में बहुत जचते हैं और बड़ा मजा आता है। तो आज मेरा जो मेन जो कैरेक्टर भैया का, मुझे पर्सनालिटी के हिसाब से वर्दी में बहुत फिट लगती थी, आज मैं उसी को देखने के लिए खलीलाबाद से मैं यहाँ आया हूँ। क्या बात, इनसे पहले मुलाकात जब हुई थी भट्टी गांव से तब ये वर्दी में थे, ये इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे इसमें और नेगेटिव इंस्पेक्टर थे ये, जिनसे उस वक्त मुलाकात हुई थी। और हमारी जो भाग्यवान फिल्म है उस फिल्म के 3 हीरो समझिए, संजय भैया, राघव पांडे और एक हीरो हमारे अयाज भाई। मेरी पहली बैनर की फिल्म भाग्यवान के 3 हीरो, जिनमें 2 हीरो इस समय मेरे साथ हैं, इतना प्यार दोबारा मिलता है कि मैं उसका जो है कभी जो है पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो आप सभी को बधाई देता हूं कि इसी तरह मेरे जिले का आप नाम रोशन कीजिए, जिससे मुझे गर्व महसूस हो कि आप हमारे जिले के। बहुत बहुत धन्यवाद।